जय हिंद। इस वीडियो में देखते हैं एआरओ हिसार की आज की डेट यानी दूसरा दिन एआरओ हिसार की आर्मी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हो गई है उसका पूरा डिटेल देखते हैं। कितना का बैच बना है, एक ग्रुप में कितने एवरेज बच्चों को पकड़ा गया है, टाइम क्या दिया गया है और किस स्टेप से वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, भर्ती की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहां पे आपका एंट्री जो हो रहा है वो आपका एडमिट कार्ड और डोमिसाइल और आधार कार्ड से एंट्री लिया जा रहा है। देन उसके बाद जैसे आप एंट्री कर रहे हैं तो हाइट वगैरह वहां पे मापा जा रहा है। हाइट में ज्यादातर बच्चे रिजेक्ट ही हो रहे हैं तो इसमें तो कुछ बताया नहीं जा सकता है कि कुछ इसे उपाय बताया जा सकता है कि हाँ इतना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाइट जितना रहेगा उसके हिसाब से वहां पे लगा दिया गया है। अब देखिए कभी कभी भर्ती में होता है नहीं रैली भर्ती में कि हाइट आपका 170 है ना, तो कभी कभी वहां पे 170 नहीं भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद वहां पे 1-2 सेंटीमीटर बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाते हैं भी ऐसा। तो ये तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ लेकिन मैं भर्ती में खुद से गया हूँ, मेरा हाइट कुछ और था और वहां पे जाने के बाद हाइट हो भी नहीं पा रहा था, लेकिन वहां पे मैं एंट्री ले लिया था उतना हाइट हो गया था क्योंकि 170 से प्लस मेरा हाइट है। तो उसके हिसाब से वहां पे हाइट में ज्यादातर बच्चे रिजेक्ट भी हो रहे हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं कि वहां पे जैसे ही आप एंट्री ले रहे हैं तो रनिंग आपका करवाया जा रहा है। रनिंग जो आपका एवरेज बच्चों को ग्रुप बन रहा है, बैच जो बन रहा है वो आपका 150 100 120 मतलब कि 100 से लेकर 150 के एवरेज, यही आपका अप्रोक मतलब कि ये बैच इतना का बन रहा है बच्चे लोग के। और इसमें में जो बच्चे को पकड़ा जा रहा है इसमें आपका 20 25 30 35 30 से 35 के बीच में ही में ज्यादातर रिपोर्ट आ रहा है। 30 32 35 25 इस टाइप से एवरेज बच्चों को पकड़ा जा रहा है। और इसमें टाइमिंग जो आपको दिया जा रहा है 5:10, 5:20 आज जो रिपोर्ट आई है इतना आपका टाइमिंग दिया जा रहा है। बाकी ग्राउंड आपका परफेक्ट है, ठीक अभी आपका ग्राउंड है। और इसमें आपका क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाना है वो A to Z आपका ऑल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑलरेडी पहले घर ही से जीरोक्स दो दो कॉपी करवा लेना है ताकि वहां पे जाएंगे तो शायद जीरोक्स करने का मशीन ना मिले, इधर उधर जाने में आप हरासमेंट भी हो जाए। तो आपको हरासमेंट नहीं होना है क्योंकि जो भी जोश जुनून दिखाना है केवल और केवल आपका रनिंग ही में दिखाना है। अगर ऑलरेडी पहले इधर उधर हरासमेंट हो जाएगा तो शायद आपका रनिंग में दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आपको दो दो जीरोक्स घर पे ही करवा लेना है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जो जिन लोगों का भर्ती आने वाला है और जो भर्ती में जा चुके हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाए और जानकारी शेयर करें चैट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, ताकि जिन भाइयों लोगों का भर्ती आने वाला है तो वो सही सही में जानकारी उन लोगों को साथ शेयर कर सकूं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।